जोहार झारखंड, जय झारखंड, वंदे मातरम, जय हिंद। जैसा कि साथियों जानकारी थी 60-40 नियोजन नीति को लेकर पूरे राज्य में उबाल है। पूरे राज्य के छात्र सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और उसी के तहत हमने बाय लेटर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से बाय लेटर यह लिखते हुए कि हम लोग एक अंतिम दिवसीय आंदोलन है जिसमें कहीं भी किसी प्रकार की माने अनडिसिप्लिन होके या फिर असिस्ट होकर आंदोलन नहीं बल्कि शांतिपूर्ण और संयम के साथ शिष्टाचार के साथ किया जाएगा। जहां भी अगर बैरिकेडिंग लगता है तो हम लोग बैरिकेडिंग के सामने खड़े होकर वहीं धरना को तब्दील करेंगे और कुल मिलाकर एक शांतिपूर्ण आंदोलन व्यवहार के साथ तय किया गया था। लेकिन जैसा कि सूचना मिली है और सूचना नहीं, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, हमारे लगभग 25-30 साथियों को इतनी बेरहमी के साथ लाठीचार्ज हुआ है उसकी आप एक लोकतांत्रिक देश में, एक डेमोक्रेसी में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया है। सबसे पहले बात, जब लाठीचार्ज का विषय आता है तो कुछ लोग लाठीचार्ज करने वालों का सॉफ्ट कॉर्नर लेते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, चूंकि मैं आपको बार बार बता दूं, हम 5 बार लाइव आने का प्रयास किए, हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, यानी आवाज को भी रोका जा रहा है। सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आवाज को भी रोका जा रहा है। ये दूसरी बार हमारे जीवन में हो रहा है। पहली बार हुआ था ठीक मानव श्रृंखला के टाइम और आज मेरा गारो एडमिन है, हम 5-5 एडमिन का मोबाइल के माध्यम से हम लाइव आने का चेष्टा कर रहे हैं, हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। इसीलिए हम रिकॉर्डेड वीडियो बना रहे हैं और स्पष्ट कहना चाहेंगे, प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे अभी भी, क्योंकि हम लोग पहले के, हम लोग संयम के साथ हैं, शिष्टाचार के साथ हैं। प्रशासन के साथ अगर एक भी एविडेंस है जिसमें छात्रों ने अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी गलत एक्टिविटी किया जिससे लाठीचार्ज करना पड़े, तो किसी भी रांची के किसी भी चैनल के माध्यम से प्रशासन उसको प्रेजेंट करे, क्योंकि हमने पहले ही लेटर में लिखा है कि हमारा ये आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, संयम के साथ होगा, शिष्टाचार के साथ होगा। और सबसे खास बात कि हमको लाइव आने नहीं दिया जा रहा है, यानी कह सकते हैं प्रशासन के उच्च अधिकारी हमारे पेज पर उनकी नजर है। इसलिए हम आज मैंने मोबाइल में रिकॉर्डेड वीडियो आज संदेश के माध्यम से डाल रहे हैं। तो इसलिए आज सीधा संदेश हमारा यही रहेगा, हमारे लगभग 25-30 साथियों को बेरहमी के साथ मारा गया है, किसी का सर फटा है, मतलब लहू लुहान हुए हैं और लगभग 2 दर्जन साथियों को अरेस्ट किया गया है। तो ऐसे में पूरे राज्य से निवेदन होगा कि फिलहाल जो हमारा 3 दिवसीय आंदोलन है उसे डैमेज करने के लिए, उसे नियंत्रण करने के लिए सरकार की बहुत गलत साजिश के तहत गलत राजनीति का परिचय देते हुए आज लाठीचार्ज किया गया है। तो ऐसे क्रम में जहां तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न आता है, हमारे संगठन का प्रश्न आता है, तो हम लोग पूरी तरह से जो साथी अंदर में है जिन्हें डिटेन किया गया है 3 दिन का हो, 24 घंटा को, 48 घंटा को, फिर क्या मैटर है, मायने नहीं है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और कल यदि प्रशासन उन्हें, आज तो शाम तक हम लोगों ने एस्टीमेट तय किया था उन्हें छोड़ने का, रिहाई का, अगर रिहाई नहीं होते हैं कल सुबह तक, रिहाई नहीं होते हैं तो कल 9 से 10 बजे के बीच जिस थाना में, रांची के जिस थाना में हम लोगों के साथियों को रखा गया है, हम लोग शांतिपूर्वक, अहिंसापूर्वक, संवैधानिक दृष्टिकोण से जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी देने हम लोग रांची आ रहे हैं। और साथ ही जितने भी झारखंडी भाषा हथियार संघर्ष समिति के जितने भी सदस्य हैं, विशेषकर धनबाद, बोकारो और गिरिडीह के, रूट चार्ट तय कर लीजिए, कल 10 बजे आप एक रूट चार्ट बना लीजिए, हम लोग रांची जिस थाना में हमारे साथियों को लॉकअप में रखा गया है, हम लोग वहां शांतिपूर्ण तरीके से जेल भरो आंदोलन के माध्यम से आ रहे हैं, हम लोग अरेस्टिंग देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब घर बैठने का समय नहीं है, अब शादी ब्याह अटेंड करने का समय नहीं है, समय है राज्य के साथ खड़ा होने का, समय है उन साथियों के साथ खड़े होने का जिन्होंने हम और हमारे लिए, जिन्होंने इस राज्य की भलाई के लिए, राज्य के युवाओं की भलाई के लिए आज 60-40 नियोजन नीति के विरोध में, जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री का आवास घेराव का कार्यक्रम था उसमें लाठियां खाने का काम किया है और दर्जनों को लगभग अरेस्टिंग करने का काम किया गया है। तो इसलिए रूट चार्ट बना के रखें और मैं विशेषकर अपील करना चाहूंगा, कल सुबह हम लोग, जो हम लोग का रूट बनता है प्रशासन रोकती है, वैसे भी हम लोग अरेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, आखिर प्रशासन क्यों रोकेगी। आज तो बहुत परेशानी हुआ हम लोग को, बंगाल से घूमना पड़ा, क्योंकि खासकर मेरी अगर बात करें तो घर से ही प्रशासनिक जाल बिछा था। राजगंज रोड में प्रशासन थी, गोमो रोड में प्रशासन थी, डुमरी रोड में प्रशासन थी, उनको लगा हम लोग हजारीबाग होकर निकलेंगे क्या, तो हजारीबाग के क्षेत्र में भी पुलिस का कर्फ्यू लगा हुआ था, क्यों, अरेस्टिंग के लिए। तो ठीक है, शहर से हम लोग कल अरेस्टिंग देने के लिए स्वयं आ रहे हैं और अभी भी पुलिस प्रशासन के प्रति हमारी वही सम्मान है। ना इस विपदा की घड़ी में भी हम लोग ना टायर जलाने की बात करेंगे, ना धुआं धुआं करने की बात करेंगे, साथियों को अरेस्ट किया है हम लोग भी अरेस्ट देने की बात करेंगे, हमारे साथियों को अरेस्ट किया है हम लोग पूरे दल बल के साथ, समस्त समिति के सदस्यों के साथ हम लोग अरेस्टिंग के लिए कल रांची जिस थाना में संभव हो। और चूंकि तमाम हमारे वीडियो को लगभग दर्जनों डीएसपी वाच करते हैं,
उन तमाम पदाधिकारियों से हमारा विनम्र प्रार्थना होगा कि आप रांची का जो भी थाना है लॉकअप है उनको सजा कर रखें, कल हम लोग अरेस्टिंग के लिए आ रहे हैं और ये हम लोग का फाइनल डिसीजन है क्योंकि अब घरों में बैठने का समय नहीं है, ये हम लोग का अंतिम निर्णय रहेगा। इसीलिए रूट चार्ट को बना लेंगे हमारे साथी कि हम लोग कल धनबाद होते हुए जो बोकारो का मेन रोड है, रामगढ़ गोला होते हुए राजधानी आएंगे और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अरेस्टिंग देंगे और उसी थाना में देंगे जहां हमारे साथियों को पकड़ के रखा गया है। संवैधानिक देश है, हमें आंदोलन करने का अधिकार है, भारतीय संविधान आर्टिकल 19 के अनुसार हमें अपनी बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन आज जिस प्रकार का रवैया प्रशासन का रहा है, पहले बात हम स्पष्ट करना चाहेंगे, एक भी फुटेज अगर प्रशासन के पास एक भी फुटेज है जिसमें इस प्रकार की कोई एक्टिविटी, कोई क्रियाकलाप छात्रों के द्वारा दिख रहा है जिसमें वो किसी भी प्रकार का अनैतिक कृत्य करते हुए दिखे, तो उसे किसी मीडिया चैनल के माध्यम से उसे दिखाने का कार्य करे, और नहीं तो स्पष्ट है आज बिल्कुल राज्य सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाते हुए जिस प्रकार से लाठी चार्ज किया है, जिस प्रकार से दर्जनों छात्रों के सर को माथा को फोड़ने का काम किया, उन्हें लहू लुहान करने का कार्य किया है, अब हमें पीछे रहने का समय नहीं है। और दुर्भाग्य विषय आज हमारा जो फेसबुक का पेज हम लाइव रहते हैं, लाइव भी नहीं आने दिया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं उस पर भी प्रशासनिक हस्तक्षेप है। इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे, जितने भी हमारे साथी हैं चाहे JSSU के हो या फिर हमारा संगठन झारखंडी भाषा कत्यान संघर्ष समिति को हो, एक रूट चार्ट तैयार कर लें। ये समय अब निर्णायक समय है, अब घरों में दुबक कर बैठने का समय नहीं है, नहीं तो ऐसे भी राज आधा लूट चुका है, आधा बिक चुका है, जो बचा है उसे बचाने का समय है। अतः रांची के जिस भी लॉकअप में उन्हें रखा गया है, अगर सुबह तक ससम्मान उन्हें बेइज्जत रिहाई दिया जाता है तो हम लोग फिर से अपने जो मशाल जुलूस उसकी तैयारी करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो रांची का जिस लॉकअप में हमारे साथियों को रखा गया है ससम्मान शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक तरीके से अहिंसा पूर्वक हम लोग अरेस्टिंग देने के लिए आ रहे हैं। तो सभी साथी इस बात को गंभीरता पूर्वक लेंगे, बाकी आंदोलन भविष्य में बहुत सारे होंगे और उसके बावजूद हम लोग के अरेस्टिंग के बावजूद भी जो दो दिवसीय कार्यक्रम है, बाकी जो साथी बाहर रहेंगे उसे सफल बनाने का प्रयास करेंगे, बाकी हम लोग चूंकि हमारे बहुत सारे साथी अंदर हैं और उस परिस्थिति में हमारा बाहर रहना कहीं ना कहीं दिल को झकझोर रहा है, हम लोग बाहर नहीं रहेंगे। अतः स्वयं स्वइच्छा से शांतिपूर्ण तरीके से गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, प्रशासन का भी अभी भी सम्मान करते हुए, दर्जनों छात्रों का रक्त बहने के बाद भी, सैकड़ों लाठियां बदन पर टूटने के बाद भी उनका सम्मान करते हुए हम लोग अरेस्टिंग के लिए आ रहे हैं। जय झारखंड, जय झारखंड।